ओके, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा में वॉशिंग कैसे होती है कपड़ों की। जैसे इंडिया में हम मैन्युअली हाथों से या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के फिर सुखा के फिर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं, लेकिन कनाडा में तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और धूप इतनी ज़्यादा सर्दियों के मौसम में तो ऑफ कोर्स निकलती नहीं है। और निकलती भी होगी तो लेकिन कपड़े तो नहीं सूखते बिकॉज़ माइनस में टेम्परेचर रहता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों के मेरे को सवाल आए थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स के और मेरी फैमिली मेम्बर्स के, कि कहाँ तू अपने घर पर कपड़े धो रहा है। वो वीडियो सो मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा और काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाएगी और जो लोग कैनेडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सिस्टम मतलब कॉइन सिस्टम भी रहता है और घर की पर्सनल लॉन्ड्री भी रहती है। मतलब अगर घर पर मशीन्स जो है ना वो सही से काम नहीं करती तो आप बाहर की जो वॉशिंग मशीन्स रहती हैं वहाँ बाहर भी कपड़े धो के आ सकते हो। सो अभी सिस्टम बताऊँ तो शनिवार शनिवार इन द सेंस सैटरडे और संडे को जो है ना लॉन्ड्री करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिल है ना वो बहुत कम आता है इलेक्ट्रिसिटी का इन 2 दिनों में, पानी का और वीकेंड्स पे बेसिकली। सो मोस्ट प्रेफरेबली ओनर भी यही रिक्वेस्ट करता है कि आप संडे को ही जो भी वॉशिंग वगैरह करनी है या सैटरडे को करो बिकॉज़ इससे हमारी ही यूटिलिटीज़ कम होंगी। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट जो मेरे कपड़े हैं वो बेसमेंट में हैं वॉशिंग मशीन्स। सो वो आपको फुल डिटेल में दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं संडे सैटरडे को मैं आज काम से अभी आया था और मैंने नहा लिया अब आते ही बिकॉज़ मैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये मेरे कपड़े पड़े हैं बेड के ऊपर। सो अभी मैं इनको लेके जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इन कपड़ों को होल्ड कर लूँगा। वैसे बास्केट में ले सकता था लेकिन मैंने बस जस्ट खर्चा अवॉइड कर रहा हूँ अभी। ओके, एक हाथ से ही मेरे को लॉक खोलना पड़ रहा है, दैट्स वाई ये एंगल दिखा रहा हूँ। देयर वी गो, अब चलते हैं नीचे। सो यहाँ पर लाइट, देयर यू गो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इधर को किचन से होकर आना है नीचे की तरफ और नीचे वालों ने सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रहे हैं। सो आई थिंक सो आपको भी बीच में बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दो मशीन्स हैं। ये वाली जो मशीन है वॉशिंग और ड्राई ड्राई इन द सेंस जो सुखा देती है, पानी वगैरह निकाल देती है, लेकिन ये वाली जो मशीन में ना काइंड ऑफ कपड़े इसमें इससे निकाल के इसमें डालने होते हैं, फिर 1 घंटे के आसपास ये बिल्कुल सुखा देती है और कपड़े ऐसे जाते हैं जैसे प्रेस करके हीट होते हैं ना वैसे आपको बिल्कुल ये हीट करके देगी क्लोथ्स। ओके, सो जल्दी से मैं अपने क्लोथ्स वगैरह मशीन में डालता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि नॉर्मल हैवी ड्यूटी वाइट्स और सैनिटाइज वगैरह या डेलिकेट वूल्स की हमें ऑप्शन मिल रही है, गर्म पानी से धोने या ठंडे पानी से। किस स्पीड से मशीन चलनी चाहिए वो भी आप मैनुअली सेट कर सकते हो, पावर बटन प्रेस करके स्टार्ट कर देना है और दैट्स इट, आपका काम ख़त्म हो गया। फिर ये जो है ना ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद में मशीन जो है ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आपके कपड़े आपको सूखे हुए मिलेंगे। फिर आपको ये कपड़े निकाल के इस मशीन में डालने हैं और ये मैनुअली सेट रहती है कि 1 घंटे की सभी ने सेट किया और पावर बटन प्रेस करके स्टार्ट कर देनी है और आपको 1 घंटे के बाद में सूखे हुए कपड़े मिलेंगे और वो काफ़ी हीटेड रहते हैं। सो ठीक है, क्वाइट गुड कि कपड़ों का इतना झंझट नहीं है ऑफकोर्स जैसे इंडिया में रहता है, राइट है ना दीदी? ओके, सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से कपड़े धुलने हैं कनाडा में। और बाकी मैंने कभी बाहर लॉन्ड्री वगैरह की नहीं, इन द सेंस मैंने कभी बाहर जो कॉइन सिस्टम रहता है वहाँ पर मैं कभी धोने गया नहीं। सो आई लिटरली डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स एंड दैट्स इट।
अभी मेरे को अपने रूम की सफाई करनी है, झाड़ू वगैरह लगाऊंगा और फिर पोछा लगाऊंगा, और काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा है जैसे ये मेरे टेबल पर, राइट। और ऑयलिंग करूंगा सिर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। सो होप सो कि आप अपना ध्यान बढ़िया तरीके से रख रहे हो, एंड दैट्स इट। रूम मैनेजमेंट करूँगा और फिर अपना थोड़ा बहुत काम करके फिर खाना बनाना देखते हैं सिस्टम। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यार, आपको और क्या जानना है वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं उसकी और वीडियोस अपलोड करूँगा। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।